और इस वक्त की एक अहम खबर, चक्रवाती तूफान अम्फान से मरने वालों की संख्या 72 हो चुकी है। अम्फान तूफान से कोलकाता में 15 लोगों की मौत हुई है। चक्रवाती तूफान अम्फान से तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि मुश्किल के इस वक्त में पूरा देश बंगाल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के लोगों की कुशलता की कामना करते हुए ट्वीट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टॉप अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, एनडीआरएफ बचाव के काम में जुटा हुआ है, उड़ीसा में भी हर संभव मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को यहां पर आश्वस्त किया है कि हर तरह से उनकी मदद की जाएगी। चक्रवाती तूफान अम्फान ने जिस तरह से कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई है, तबाही की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर रूह कांप जाए, लेकिन अब कोशिश यही कि दोनों ही राज्यों को जल्द से जल्द मदद दी जाए और मदद पहुंचाई भी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद विचलित करती हैं। और अम्फान तूफान से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको अब हम बताते हैं। अम्फान तूफान किस तरीके से आया है और कोहराम मचा रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। अम्फान पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचा चुका है। तूफान में कई लोगों की मौत हुई है, बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा तबाही मची है अम्फान तूफान से। कोलकाता में तूफान से सचिवालय को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर मदद का आश्वासन दिया है। ओडिशा में तूफान का कई जगहों पर जबरदस्त असर देखने को मिला। बालासोर और भद्रक की बात करें तो तूफान से यहां इन दोनों ही जगहों पर भयंकर तबाही आई है। ओडिशा में कई जगहों पर बिजली के ग्रिड को नुकसान पहुंचा है, ग्रिड फेल हुए हैं। बिहार झारखंड में रात भर बारिश और तेज हवाएं चली, असर इन दोनों राज्यों में भी देखने को मिला और आज भी बारिश और हवाएं चलने की आशंका है। अम्फान तूफान से जिस तरीके से दो बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा इस वक्त परेशान है, उसके बाद बिहार में भी तेज बारिश और हवाएं। छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.